खबर रीवा जिले से है, जहां आगामी आने वाले मुहर्रम के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन ने धर्मावलंबियों के साथ बैठक आयोजित की। इस दौरान शांतिपूर्ण त्योहार का जश्न मनाने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक के संबंध में सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण त्योहार को मनाने के साथ साथ पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करने की बात कही है। अभी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, मुहर्रम का है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में समाज के प्रबुद्ध लोगों का, सभी धर्मों के लोगों को बैठ करके इस त्यौहार को किस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से और अच्छे तरीके से मनाया जा सकता है, इस संबंध में विचार विमर्श किया गया। त्यौहार का रूट क्या होगा, समय क्या होगा, संख्या क्या होगी और प्रशासन की क्या मंशा है, किस तरह से चुनाव त्यौहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाएगा, इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह भी निर्देशित किया गया है कि त्यौहार को लेकर के यदि कोई सूचनाएं मिलती हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएं, प्रशासन को तत्काल अवगत कराएं। किसी भी तरह की यदि अफवाह होती है किसी जुलूस या प्रदर्शन के दौरान, उस संबंध में अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए प्रशासन को सूचना से अवगत कराएँ। कुल मिलाकर के उद्देश्य है कि जो भी त्यौहार है, सभी धर्म के लोग, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो समझदार प्रबुद्ध लोग हैं, उसको समाज को लीड करें और ऐसे त्योहारों में सौहार्दपूर्वक त्यौहार मनाने में सहयोग करें।